यहाँ के सारे बीपीएससी मेंस के परीक्षार्थी तीन भागों में बांट दिए गए हैं, ए, बी और सी। आप हमारा बात करें नहीं। ये क्या बदतमीजी है, यहाँ क्यों आए आप लोग? अरे ये कोयला खदान पहले से परीक्षा का प्रश्न पूछने आ गई का? क्या झमेला है ये, जाइए आप लोग यहाँ से। सर जी पहले आप हमारा बात तो सुनिए। बोलो क्या बोलना है। ई कृष्णा है, ई प्रीलिम्स का एग्जाम पास कर ली, इसका माता पिता आस पड़ोस का लोग सब चाहते कि ई मेंस का परीक्षा में बैठे, क्योंकि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है। ई मेंस का परीक्षा ऐसे निकालने की लेकिन ये अजीब लड़की जिद लेके बैठी परीक्षा में बैठने के बजाय बढ़िया का एक लड़का से शादी कर ली। देखिए कैसे सज धज के निकली है। ये पढ़ने लिखने वाला लोग भी प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अजीब बुद्धू जैसा व्यवहार करने लगते हैं। परीक्षा देना या ना देना यह हमारा इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ लेकिन हम इनका वजह से यहाँ ऐसे आकर बदतमीजी किए हैं आप लोगों के साथ, हम उसके लिए आप लोगों से माफी मांगते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। देखिए हमारा बात सुनो। अरे बापड़े ये सब क्या हो रहा है, ये तो हमारे माथे में नहीं धोखड़ा हो रहा है। हेलो हेलो, फोन क्या नहीं उठा रहे थे? अरे अब उठा लिया ना, ये बताओ पिंकी बिटिया परीक्षा कक्ष में बैठ गई? अरे उम्मे अभी टाइम है, हमको आपको एक खास खबर देनी। बोलिए। हुआ छेका कैसे हो रहा है? कोयला खदान तो हिया घूम रही है पिंटू सिंह के साथ, वो भी हाथ में हाथ डाल के। हेलो अजी आप सुन रहे हैं? अरे अभी हम रास्ते में ही हैं, उनका गाड़ी में नहीं गए, अब कहाँ जाएं? ये सब सुन के तो मिजाज ही खराब हो गया, चलिए रखते हैं। अच्छा अरे छेका में न जाके कृष्णा पिंटू के साथ परीक्षा में कैसे पहुंच गई भाई? घर से तो पूरा परिवार के साथ निकली थी। पता करते हैं। कृष्णा, तुमको यहाँ पटना लेके आना, सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारे पापा विद्या चाचा बबलू भैया सबका मर्जी था। हम सबका सपना है कि तुम परीक्षा में बैठो, सफलता हासिल करो, अफसर बनो। जरा सोचो अगर तुम अफसर बनती हो तो विद्या चाचा का नाम कितना रोशन होगा। ये मजाक नहीं हो रहा कृष्णा, जो तुम तमतमा के चली है। आज हमारा छेका है और अगर हम वहां नहीं पहुंचे ना हमारी माँ जीते ही मर जाएगी। किसी भी हालत में अपने माँ का इच्छा का सम्मान जरूर करेंगे हम। स्वाति दीदी का जिंदगी के साथ ये धोखा नहीं होने दे सकते।
हमको बढ़ैया जाना ही है, समझे पिंटू जी? बढ़िया जाके अपने माँ का सपना तो पूरा कर लो, अपना बहन का जिंदगी आबाद कर दोगी, पर जरा सोचो का ऊ बहन तुम्हारा ये बलिदान देख के खुश हो पाएगी? तुम्हारा बाकी का बहन, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे गुरु बबलू भैया का उनका मुरझाया हुआ चेहरा तुम देख सकोगी? हमारे पास आपका भाषण सुनने के लिए समय नहीं है, हमको जल्द से जल्द बढ़िया पहुंचना है। अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो स्वाति दीदी का छेका नहीं हो पाएगा। स्वाति जी का कृष्णा, तुम तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और आपको भी माफी नहीं मिलेगा, समझे? कृष्णा, बेटा तुम परीक्षा में बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं। पागल मत बनो, ये गलती करने का समय नहीं है, इनका बात मत सुनो, छेका में चलना जरूरी है। ना बेटा, तुम्हारी अपनी माँ की बात मत सुनो, हम तुमसे कहेंगे तुम जाकर के परीक्षा में बैठो। इनका बात मानोगी तो स्वाति का घर कभी नहीं बसेगा, जिसका छेका लौट जाता है समझो उसका भाग लौट जाता है। बेटा एक बार अफसर बन गए तो रिश्ता तो खुद चल करके आएगा, तुम्हारे लिए, स्वाति के लिए, चंचल के लिए, और एक से एक अच्छा रिश्ता। अरे अफसर तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मटर छीलने का काम, बड़का बड़का पैसा वाला लोग अफसर नहीं बन पाते हैं। बेटा इसमें पैसा और पहुँच का कोई जरूरत नहीं होता, ये तो प्रतियोगिता है, जो काबिल होगा वो जीतेगा, और बेटा तुम बहुत काबिल हो ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम मेरी बात को सुनो, तुम जाकर के परीक्षा में बैठो। ना तुम हमारा बात सुनो, स्वाति का शादी नहीं होगा तुम्हारी वजह से, सुन रही हो ना तुम? चलो हमारे साथ छेका में। नहीं नहीं, इनका बात सुनने का कोई जरूरत नहीं है तुमको। ना बेटा तुम्हारी बात मत सुनो, गलती करने का समय नहीं, परीक्षा में इनका बात मत सुनो, इनका बात मानोगी तो स्वाति का घर कभी नहीं बसेगा, जिसका छेका लौट जाता है समझो उसका भाग लौट जाता है। अफसर तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मटर छीलने का काम, खुद चल करके, बड़का बड़का पैसा वाला लोग अफसर नहीं बन पाते, इसमें पैसा और पहुंच का कोई जरूरत नहीं होता, स्वाति का शादी नहीं होगा तुम्हारी वजह से, सुन रही हो ना तुम? चलो हमारे साथ छेका में। अरे अफसर तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मटर छीलने का काम। कृष्णा, सच्चाई से कब तक भागोगी तुम? कब तक? समझौता करके बसाया हुआ गृहस्थी अक्सर दुख और तकलीफ देता है। कृष्णा तुम्हें ये मौका मिला है, इसको मत ठुकराओ तुम, मत ठुकराओ। कृष्णा, 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 तुम हमारा बात काहे नहीं मान रही, काहे अपना जिद पे अड़ी हुई हो? तुमको आज हमारा बात समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल पछतावा होगा। जरा सोचो कल तुमको कैसा लगे, तुम परीक्षा केंद्र पहुंचे लेकिन परीक्षा नहीं दी। ये सवाल आज नहीं लेकिन आने वाले कल में तुम्हें जरूर कचोटेगा। हमारा बात मानो, परीक्षा दे दो। ये लो तुम्हारा प्रवेश पत्र। अरे सोच काहे रही, अब जाओ। कृष्णा जल्दी करो, तुम्हारा परीक्षा शुरू होने जा रहा है।
बैठ रहे हैं हम परीक्षा में, लेकिन आज के बाद कभी भी हमको आपका शक्ल नहीं देखना है। छेका के दिन लड़की परीक्षा देने गई है, नहीं हम किसी को माफ नहीं करेंगे, किसी को नहीं। सत्यनारायण जी, वो कहा है कि हमारी बेटी कृष्णा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, वो कुछ करना चाहती है। होशियार? बाप की बेटी तो होशियारे होगी ना। देख रहे हैं आप लोग का सारा होशियारी हम। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है, हम स्वाति का छेका कर लेते हैं। विद्या बाबू, हम घास फूस नहीं खाते हैं, कोनो जानवर नहीं है कि जिसको जब मर्जी आए जहां चाहिए हाँक दीजिएगा और हम हका जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं। अब तो कोनो बातें नहीं है, अरे चलो रे, चलो सब, चलो चलो सब कोई, चलो चल। लड़की परीक्षा देने गई है, नहीं हम किसी को माफ नहीं करेंगे, किसी को नहीं। अरे होशियारी तो आप लोग कर चुके हैं, होशियार बाप की बेटी तो होशियारे होगी ना। अरे सरस्वती, पानी लिखा, पानी लिखा सरस्वती। टीका तो दांती लग गया। माँ, माँ, सरस्वती, माँ, रवि, लीजिए पापा। अरे छोड़ो इसे, आप जाओ जरा गाड़ी वाले से कहो कि हमको अस्पताल चलना है।
रवि चलो प्रणाम पिंटू बाबू, पलटते आप भागलपुर ही जा रहे हैं ना? तो तनी रुकिए ना, हमारी पिनकी भी आती होगी, आपको उसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने लिखने में बहुत तेज है हमारी पिनकी, किताब कापी से लेकर देश विदेश का सारा जानकारी रहता है उसके पास। देखिएगा अफसर तो बनेगी ही बनेगी। हाँ नहीं, हमको नहीं जाना, हमको कुछ और काम। प्रणाम। पति रामचंद्र की जय। हमको तो पूरा 80% अंक मिलेगा। अरे आप ही कर सुना है, भागलपुर के पिंटू सिंह जी ने आपके लिए गाड़ी रिजर्व किए हैं। वो रही हमार गाड़ी, चलिए आपको घर तक छोड़ देते। नहीं पढ़ाईया में क्या हुआ होगा, स्वाति दीदी का छीका हुआ होगा या कृष्णा। परीक्षा देने के बाद मनी मन गिन रही होगी तुम्हें कितना अंक मिलेगा। अरे तुमको तो अच्छे अंक मिलेगा। क्यों राजेश, काहे नहीं, तुम तो किताबी कीड़ा हो, तुम्हारे मार्क कौन काट सकता है। ड्राइवर दिख रहा है और ना ही गाड़ी, पता नहीं कहां चले गए। कहां खो गई भैया, मुआ पीछे नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। हमको तो पूरा 80% अंक मिलेगा। अरे आप ही कर सुना है, भागलपुर के पिंटू सिंह जी ने आपके लिए गाड़ी रिजर्व किए हैं। वो रही हमार गाड़ी, चलिए आपको घर तक छोड़ देते। पिंटू जी कहाँ? वो तो कब्बे के चले गए हमारा सारा भाड़ा देके। तुमको यहाँ पटना लेके आना सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारे पापा विद्या चाचा बबलू भैया सबका मर्जी था। हम सबका सपना है कि तुम परीक्षा में बैठो, सफलता हासिल करो, अफसर बनो। अगर तुम अफसर बनती हो तो विद्या चाचा का नाम कितना रोशन होगा। तुमको आज हमारा बात समझ में नहीं आएगा लेकिन कल पछतावा होगा। ठीक है, बैठ रहे हैं हम परीक्षा में, लेकिन आज के बाद कभी भी हमको आपका शक्ल नहीं देखना है।